सर्किट हाउस में पत्रकारों ने अधिकारी डांगी को श्रद्धांजलि दी। जिले के जनसंपर्क अधिकारी केपी सिंह डांगी आज सुबह 8 बजे सड़क हादसे में उनका असामयिक निधन हो गया था। बताया गया कि वो भोपाल शादी समारोह से गुना लौट रहे थे। इसी दौरान लौटते समय पाखरियापुरा पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उन्हें ब्यावरा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि उनके निधन से प्रशासनिक महकमे के साथ पत्रकार गण स्तब्ध है। उनके निधन पर स्थानीय सर्किट हाउस में सभी पत्रकारों ने आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख कर श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। डांगी के आकस्मिक निधन पर वरिष्ठ पत्रकार ने उनके जीवन चरित्र पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। इसी तरह कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर फ्रैंक नोबल के साथ सभी अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर जनसंपर्क अधिकारी केपी सिंह डांगी को श्रद्धांजलि दी। ये पीआरओ तो सीधा हमारे से सीधे ही संपर्क में थे, जिनसे प्रेस नोट लेना, गलत प्रेस नोट पे उनसे जाके झगड़ना, उनसे वहाँ का गाड़ी आपकी कवरेज करने कब जानी है, तमाम सीधा संपर्क रहता था कलेक्टर और किसी और अधिकारी के परस्पर पीआरओ से, क्योंकि वो भी एक पत्रकार ही था, शासकीय स्तर पे था। तो उनका असामयिक निधन का जैसे समाचार मिला, निश्चित रूप से बड़ा दुखद है। हम भी कामना करते हैं उनके परिवार को इस दुखद स्थिति को सहने की।